अरे बेईमान नु सोच भाई, सारी दुनिया बेईमान। धन नी सोच धर्म कर्म में कितना करना चाहिए दान। ज्ञान नी सोच बैठ सभा में सबके अंदर भर दू ज्ञान। न्यारी न्यारी दुनिया सारी, सबके न्यारे न्यारे काम। आस टूट जा सास छूट जा उसका नहीं जिंदगी नाम। आशा तृष्णा के ऊपर यो जीवन कायम मुंशी राम। लोभी है संसार शाल पर बण्या फिरे संसारी। अर ज्ञान सुनने आला सुनियो बात हमारी। तृष्णा रूपी रगड़ा जग में तृष्णा न्यारी न्यारी। भाई ये जो बोल थे मुंशी राम जांडली के बोल थे, और आज की वीडियो में सुनाने का भी मन न्यू कर गया। एक तो उनकी लेखनी बहुत बढ़िया थी, डबल तोड़ की रागनी हुआ करती तकरीबन, और आज उन्हीं की नगरी में पहुंचे हैं भाई। मुंशी राम जांडली जी की नगरी है जांडली खुर्द में पहुंचे हैं भाई, अजय पुनिया भाई के पास में। एक युवा पशुपालक है, बहुत बढ़िया पशुधन तैयार कराया है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो बार बार स्वागत है अजय भाई का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पे। अजय भाई राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शक राम राम। और ठीक हो भाई जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक, सुखमोज है। हाँ बिल्कुल भाई, भाई गांव है अपना जांडली खुर्द, खुर्द जिला फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद है भाई। अजय भाई सबसे पहले तो ये बताओ क्या करते हो, पढ़ाई करो हो या कंप्लीट कर ली? भाई मैं हूँ वेटरनरी डॉक्टर, एआई प्रैक्टिशनर। एआई प्रैक्टिशनर हो आप, जो सीमन रखे हैं एआई करा करो भाई जी। हैं बिल्कुल। तो भाई कितना टाइम हो गया? भाई मन हो गए दो साल। दो साल हो गए बीएलडीए करी ने, दो साल हो गए मेरी बीएलडीए क्लियर है। क्लियर हो चुकी है पशुपालन में, यानी के शुरू से रुझान है। हां जी। घरा कितने पशु हैं टोटल? टोटल तो भाई 10-11 पशु है। 10-11 पशु हैं भाई जी। सबसे पहली बात तो जो यो भाई माहौल है आज तकरीबन जसबीर मने दोपहरी में गांव में खड़ा करया यार। बिल्कुल पेड़ लगाओ भाई, पर्यावरण सुरक्षा करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पेड़ अपना ऑक्सीजन दे हैं, छाया दे हैं, कुछ पेड़ अपने फल भी दे हैं। तो पेड़ जितने हो सके भाई उतने जरूर लगाओ अपने जीवन में। हर किसी ने एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। लगाने का मतलब यो नहीं ला यार छोड़ दिया हमने, नहीं बेरा उसके नीचे देखिए ना पन्नी पाड़ी एक ना पाड़ी, तैयार करो एक पेड़ा। गलत तो नहीं करे बिल्कुल भाई। आपने ला रखे पेड़ों के देखे यार नीचे यार पशु देख। हाँ हाँ आनंद ले रहे हैं पूरा, बढ़िया अपना आनंद ले रहे हैं भाई। अच्छा राहत मिला है गर्मी में भी, चाहे डैम हो घोट हो उसमें भी फर्क रहे पेड़ के नीचे पशु बंधे थे। तो भाई पशुपालन में 8-10 पशु हैं घर पर, न्यू बता दो सेल परचेज का काम है अपना शौक है अच्छा पशु रखना? ना भाई अपना कोई सेल परचेज का काम नहीं है, अपना शौक है अच्छा पशु रखना। अच्छा पशु शुरू से लेकर आज तक दादा है, दादा से पहले है, बाद में है, बहुत अच्छे अच्छे पशु घर में रखे हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र भाई 21 साल। कितनी? 21 साल। 21 साल उम्र हुई है। देखिए भाई, और भाई इस उम्र में भाई ने मान लो यो बारहवीं के बाद होता होगा कोर्स? हाँ प्लस टू के बाद। प्लस टू के बाद में दो साल की डिग्री है, प्लस टू के बाद दो साल की डिग्री और दो साल का आपका एक्सपीरियंस भी हो गया। तो ये डिग्री के साथ साथ है एक्सपीरियंस है कि डिग्री के बाद का है? डिग्री के बाद का भाई। डिग्री के बाद का। चलो भाई जी, तो आज कौन से पशु दिखाओगे वीडियो में? आज भाई दो पशु है, एक जोटी है और एक ये कट्टा है। एक यो कटड़ा है और भाई एक या जोटी है। पहला कौन से के बारे जानकारी देगा? पहला कटड़े के बारे में। तो भाई आज की वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे युवा साथियों के लिए, क्योंकि देखो भाई ने बताई है कि मैं दो साल का मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया और बढ़िया पशु हूँ भाई के पास में। आज अजय बंदरोलिया कम बोल लगा, अजय पुनिया ज्यादा बोल लगा। ठीक है भाई? बिल्कुल भाई। तो एक बार इसके बारे में डिटेल दे दो जिस हिसाब से, ये मान लो आप क्लास में खड़े हो और जितने भी दर्शक हैं ये आपसे सीख रहे हैं कुछ, बिल्कुल उस तरह से एक बार इसके बारे में नॉलेज दो भाई। भाई इस बुल का नाम, कट्टे का नाम लगा लो इसका तो सूर्या है। हाँ। और ये अपना जो 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी हुई थी चरखी दादरी में, अच्छा जी, उसमें तीसरे स्थान पर खीरी कैटेगरी में रहा था। तीसरे स्थान पर रहा था खीरी कैटेगरी में? खीरी कैटेगरी में। अच्छा। और इसका पिता साइड से रिकॉर्ड है M29 का, जो HLDB में बहुत ही प्रसिद्ध बुल है। और माता का इसका रिकॉर्ड है 24 किलो 750 ग्राम में HLDB में रिकॉर्ड है। HLDB में रिकॉर्ड है 24 किलो 750 ग्राम में। आज भी अपने घर पे इसकी माँ? आज ना भाई, सेल करती दो साल पहले। दो साल पहले सेल करती थी भाई। कौन से ब्यांत में तलवाया था दूध दियो? यो भाई सेकंड टाइम में, जब ये जोटी थी इसके नीचे। अच्छा यार जोटी थी जब? हाँ, तब तलवाया था। हाँ। वह बड्डी है यो छोटा है? हाँ वह बड्डी है, वह ये छोटा है। यो कौन से ब्यांत का भाई? यो तीसरे ब्यांत का भाई। यो तीसरे का वह दूसरे की दूसरे की। तो भाई यो M29 का कटड़ा है खीरी कैटेगरी में,
चरखी दादरी में जो अपनी पशुधन प्रदर्शनी हुई थी उसमें तीसरे स्थान पर रहा, उसमें ट्रैक्टर भी लगड़े थे कई भाई आ गया ना। हाँ हाँ बवानी वाले में लगड़े थे बेटा ना, उसमें भी निकाले यार ट्रैक्टर, तो वो छोटा ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर बाघ वाला, बागवानी वाला। अच्छा छोटा ट्रैक्टर था, बाकी उसमें तीन ट्रैक्टर थे जो अपना इसमें हुई थी भिवानी में जो हुई थी उसमें ट्रैक्टर थे भाई। अरे बढ़िया प्रदर्शनी रही थी, वो भी बहुत ज्यादा पशु देखने में मिले भाई, एक से एक सुपर डुपर बढ़िया बढ़िया पशु देखने में मिले थे। मेला में पशुपालक भाई को शौक करे है, ये नहीं कि आपके पास में अच्छा पशु तैयार नहीं है तो हम ना जावे, जाया करो भाई, देख का आया करो, बढ़िया बढ़िया पशु वहां पावा, अपना पता चलेगा मुर्रा नस्ल के बारे में, मुर्रा नस्ल के है भाई की इसकी खासियत है, किस तरह के बुल हैं, किस तरह की झोटी हैं। हरियाणा नस्ल की गायें भी भाई बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पर जहाँ हैं भाई। लीला भाई भी आ रहा गोरखपुर ते, हमने वीडियो कवर करी थी तस्वीर, भाई लीले भाई ने भी दिखा दी एक बार, बहुत बढ़िया भाई ने गोपालन में काम कर रखे भाई, बढ़िया बढ़िया जो गायें हैं हमारे चैनल पर आपने देखने में लगी वह वीडियो। ऐसा जो प्रयास है हर एक भाई ने, मैं कहूँगा कोशिश करनी चाहिए, गायें जरूर रखनी चाहिए। ये बता दे भाई इसकी डिटेल मैंने, आगे के परपज है भाई, एक तो सीमन के हिसाब से डायरेक्ट क्रॉसिंग भाई, अभी तो इसकी डायरेक्ट क्रॉसिंग चल रही है क्योंकि इसकी उम्र भी कम हुई है, 2 साल 3 महीने अच्छा इसकी उम्र है, और आगे सीमन की तैयारी भी है, एक बार रिजल्ट आने के बाद। अभी इसकी एक मफ है जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके रिजल्ट आने के बाद फिर सीमन का इसका जो आपने डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई, डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई है, यही भैंस है या भैंस है ये खड़ी जो, कौन सा ब्याह था इसका, कौन सी बार ब्याह होगी, ये तीसरी बार बच्चा देगी भाई। कितने दिन की प्रेग्नेंट होगी, 3 महीने की होगी, 3 महीने की होगी। कितना दूध काट रही है भैया, भाई अब तो बहुत ज्यादा टाइम की ब्याही होगी, और इसने इन्हें दूध कितना दिया, ज्यादा से ज्यादा नहीं बता, ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर दूध दिया, 15 लीटर दिया है। अजय भाई आपने देखो हर तरह की नॉलेज है, इस तरह से आप नहीं मानते रिजल्ट ने, अग भाई इस बुल का मैं एक अच्छे दूध वाली पे रिजल्ट, हाँ बिल्कुल, इस पे तो मैंने यही कोशिश करने के लिए देखा था कि भी कम दूध वाली पे बढ़िया क्रॉसिंग का, मतलब बढ़िया बुल से क्रॉसिंग करवावा या सीमन रखा पा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, कहने का मतलब यो है भाई दूध वाली पे तो रिजल्ट आवे है, कम दूध वाली का भी तो रिजल्ट लेके देखा उस तो ही बेरा लग गया मेरे झोटे में, क्या खासियत है भाई। देख भाई बढ़िया कटड़ा भाई के पास में है, M29 का है, और दो दांत हो गया भाई, तो दो दांत हो गया मुंह से, दो दांत है, और इसकी माँ का दूध दे वो बंदर लगा रखे भाई ने जसबीर, वो भी जरूर दिखाइए। और भाई ने ये लिख रखा है इतनी कम उम्र में इतनी हाइट नहीं देखी होगी, आने वाले समय का बजरंगी लजवाना, यानी कि बजरंगी लजवाने की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है भाई। तो उस तक प्रेरित है भाई नुग, इतनी हाइट का मारा भी बनेगा कम से कम है। हाँ बिल्कुल भाई, यही कोशिश है बने, क्योंकि इसकी माँ की हाइट थी ना, हाँ बहुत ज्यादा हाइट थी अजय भाई, चौखी हाइट थी बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो फिलहाल जो है भाई नुगा डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा रखी है, जब रिजल्ट आओगा उसके बाद सीमन का विचार है, सीमन का बिल्कुल। सेल करने का क्या विचार है भाई, सेल करने का अजय भाई कोई विचार नहीं है इसका, ये अपने को घर रखना है, अभी मेलों के लिए भी इसकी तैयारी चल रही है, आगे आने वाले भी हैं, पहले आया भी है। अच्छा। और यहाँ पर कोई अच्छा अगर अपना जिस तरह पशु है कोई क्रॉसिंग करवाना चाह रहा है तो वो करवा ले है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, और बाकी सेल का कोई विचार नहीं, सेल का कोई विचार नहीं है। क्रॉसिंग फीस के कर रखी भाई 1000 रुपए भाई, 1000 रुपये जो इसकी बहन है भाई, एक बार उसने और लिखा उसके बारे में डिटेल पूछेंगे, या जो झोटी है भाई इसकी बताइयो डिटेल एक बार भाई। ये झोटी मुंह से तो 4 दांत है, मुंह तो 4 दांत है भाई, मुंह की कर्सो जारी है या बस इसका नाराज है के वीडियो था लड़की थी भाई। अच्छा मालगी मक्खी लड़की भैया, जो सुजनारी है या मालगी मक्खी लड़की, इसकर आज लड़की देख लो भाई, कदे को न्यू मन ब्रेड लड़ जा मालगी मक्खी लड़ जा तो मानस मानस दिक्कत हो है, या पशुआ ने भी से जहर भाई बहुत ज्यादा सूजन आ रही है इसका, फिर के उपचार करे डॉक्टर साहब इसका भाई, गोली दे दी थी और इंजेक्शन लगा दिया था, अब ठीक है, ये हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक हो जाएगा आराम, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई तो क्या डिटेल है इसकी भाई, जो टी भाई ये फर्स्ट टाइमर है और इसने दूध निकाला है 16 लीटर फर्स्ट टाइम में, पहले ब्यात में इसने भाई 16 लीटर किलो ना लीटर भाई, 16 लीटर 16 लीटर दूध निकाला है। कितने दिन की ब्याई होली भैया, अब तो भाई ये 4 महीने की ब्याई होगी, 4 महीने की ब्याई होली भैया, 16 किलो दूध इसने काटा, फिर प्रेगनेंट होली की नहीं हुई है या प्रेगनेंट होली भाई, ये 10/26/99 के सीमन से प्रेगनेंट है, 1 महीने की, 1 महीने की प्रेगनेंट है 10/26/99 से भाई जी। तो ये है भाई
जो अपना बुल है उसकी बहन का भी भाई ने दिखा दिया है जो रिकॉर्ड है भाई 16 किलो इसने दूध काटा है। दूसरे बात में उम्मीद है 18-19 जितना भी कट देगी इसने भी रिकॉर्ड करवाई है भाई। बिल्कुल करवाऊंगा भाई। एक चैनल आपने बना रखा है ना? ना भाई, अपना भाई का है। कौन सा चैनल है वो? गोवंदना नाम था भाई। गोवंदना नाम से है। उस चैनल पे इसकी लाइव मिल्किंग करवाई है दूसरे ब्यात की। बिल्कुल भाई, ताकि पता चले। देखो यो भी मैटर कर है भाई, दोनों एक कम आगे हैं ये। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मदर मिल्क रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है, तो उस तन यू पता चल लगा भाई इसने इतना दूध दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं महत्व है भाई जी। बिल्कुल। इसका क्या विचार है भाई जी? इसका सेल का तो कोई विचार नहीं है भाई। नहीं सेल करो? ना, कोई सेल का विचार। अच्छा, ये तो बस अपने को वो ही है, बुल के साथ वे वीडियो कवर करवानी थी दर्शकों ने दिखा दें वे। अच्छा अच्छा, के तो फिर अपने पास में सीमन कौन कौन से उपलब्ध रहते हैं भाई जी? भाई सीमन अपने पास में सब उपलब्ध रहा है। अपना एक भाई है लीला राम भाई के साथ में जाया करा है ये भाई सीमन लिया करा गाया के भैंसा के। अच्छा, गाय भैंसा रिकॉर्डेड सीमन है बिल्कुल ओरिजिनलिटी के साथ, उसमें कोई वो नहीं है फेक। ओरिजिनलिटी की जिम्मेदारी आपकी रहेगी भाई। हाँ बिल्कुल भाई। आजकल यो काम भी बहुत हो रहा है भाई, डुप्लीकेट सिमन बहुत ज्यादा है, हर बुल के आ रहे हैं भाई। अब यार मैं बता दूं, जिस तरह HLDB ने सिमन देने बंद कर रखे हैं तो HLDB का ओरिजिनल सिमन कहाँ से आ जाएगा? सही बात है भाई, बिल्कुल। HLDB आज मेरे तो एक भाई का फोन आया था, माऊ था जब रस्ते में, बोला भाई जो M29 का सिमन है बोला यो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, मगर भाई इसके तो मिलते को ना। फिर ला गया कहने, बोला यार एक डॉक्टर था हमारे उड़ा और वो न्यू कहता भाई इसका सीमन बैन है भाई, यो नहीं मिला अगर मैं को था दर्द दे। मैं वो डॉक्टर तराई थी सी है तना सच्चाई बताओ है ना, वो तने न्यू भी कह सके लिया मिलता जागा पर 2,500-3,000 रुपये लगेंगे, वो ठग लेगा को फायदा नहीं, पर वो सच्चाई बोल रहे आपका इतेसी अपनी सच्चाई पर काम कर रहा है भाई। इसे डॉक्टर ने तो भाई हम भी सल्यूट करे हैं जो कभी भी मिसगाइड नहीं करते पशुपालक को। तो कई बार हमने सोचा है ना मनता है 29 का चाहिए, जब नहीं है वो चीज तो आपको लेके नहीं दे सकता अगला, अगर गाइड करे एक बार उसकी बात का भरोसा करना चाहिए भाई साहब। एक मिल है अब भी मिल जाएगा, फिर ओरिजिनल को नहीं बात है, उसको ऊपर लिख दिया है 29 है, उसका फायदा तो कोई नहीं, उसका फायदा कोई। सही बात है नु, तो टॉमी की भी क्या अगर पैंट है, पैंट भी 250-250 मिल जाएंगी। बिल्कुल भाई, और शोरूम मजा आ गया, 4,000 में मिल है कोनी भाई। नहीं स्टिकर तो स्ट्रा तो सब ना, सब ना मिल जाएगी स्ट्रा, चाहे भाई बजरंगी की ले लो, चाहे भाई अर्जुन की ले लो, विराट की ले लो, पर उसके अंदर जो स्पम जो है वो ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा। न्यू होगी ना बात भाई जी भाई। तो एक दो मने न्यू बताओ AI का के कुछ रेट कर रखे आपने भाई? वो तो सीमन के हिसाब से है जे भाई। अच्छा, अलग अलग सीमन कोई जिस त्रिया बजरंगी का है तो बजरंगी का तो सीमन भी महंगा है तो रेट भी महंगा होगा। अच्छा, और नॉर्मल सीमन बजरंगी का तो 300 रुपया का सीमन है। 300 का सीमन है तो भाई मैं कड़िया जाके तेल पानी भी लेके और भी करना पड़ेगा यार, वो तो अलग। क्योंकि मैंने कल ही लाइव मिल्किंग चला रखी थी भाई उसकी बजरंगी की झोटी की, वो फाइनल करी थी तो उसमें भाई ने बताई थी, वो तो न्यू का था भाई ना रेट ना खोल लूं, भाई रेट तो खोल जरूर वीडियो में। 300 रुपये भाई ने बताई थी कि भाई मेरे का जो रेट है वो 300 है, डॉक्टर ना थोड़ा और मंदा दे दूं क्योंकि उनने भी सही है दो पीछे भाई। वही तो है भाई, एक तो सीमन यहाँ से यहीं लगाना है, एक जाके 10 किलोमीटर दूर लगाना है, वही बात हो जाए। एक तो वीडियो में बनाऊ सोनीपत मरे की फतिया बाधा रहा हूँ तो वो फर्क रहे भाई उस चीज का, या चीज मन है भाई। और एक भाई साहब अच्छे पशु पे अच्छा सीमन धरके उसको आगे की ब्रीड बना के, मतलब की इबिया मेरी जोटी है 16 किलो की, मैं इतनी पंचायती जोटा कोई कटन ना उसका कुछ भी रिकॉर्ड है और है उस पर क्रॉसिंग करवा दू तो आगे या 16 है जिस तक गाड़ी 14 या आओगी या 15 आओगी 16 तो ऊपर कौन जाओ बड़े कोन्या, बड़े कोन्या। और एक इस पर रिकॉर्डेड बुलों को रिकॉर्डेड बुल का मैं जिस तरह रिजल्ट आए हुए बुल का है किसी का क्रॉसिंग करवा के उस तक या उसका सीमन लगा के जो कोशिश करूंगा इस तक अगले अंत में और बढ़िया आवा उस तक अगले और आवा चौथी पीढ़ी में तो यार गऊ में वो हो जे है। दे भाई सारा जकरा हो लिया, सारी बात बुझ ली, पर एक चीज रहेगी। हाँ भाई क्या रहेगी बता एक बार, ला थोड़ा दिमाग का जे। यार मेरा तो कौन ध्यान में, कौन ध्यान में, मैं नाम ना बताया आपने इसका भाई, दर क्या नाम का नाम है सूर्या, सूर्या जांडली। हाँ भाई, क्योंकि भाई सूर्या बोल एक और है मेरे ख्याल तल्लू का है भाई, उसमें हाँ भाई का सूर्या हो भी तो ये है भाई सूर्या जांडली खुर्दे, ठीक है भाई। तो कोई भी भाई अगर भाई से AI करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर बताओ भाई अपना। मेरा फोन नंबर है भाई 98-128-11-150, 98-128-11-150 अजय भाई का फोन नंबर है। इस नंबर पर कोई
देखो भाई हरियाणा में पशुओं के प्रति प्रेम, बार बार मैं यही चीज कह रहा हूँ ना, हरियाणा का पशु जो है भाई दुधारू है, हरियाणा दूध देगा खाना, इसलिए कहा जा है क्योंकि यहाँ पशुओं की बहुत ज्यादा केयर करी जा है। इसे फ्रेम में तो शहरा में मॉडला के फोटो नहीं पाऊंगे, जिसे आड़ा अपने बैसा के फोटो देखने में मिलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी भाई, कह रुपये में जुड़वाए हो भाई? भाई ये 1200 रुपये में, 1200 रुपये में फोटो जुड़वा रखा है एक याद के लिए, क्योंकि अपने पास में इसका बेटा है, वो बुल हम तैयार कर रहे हैं। भाई इसे का था 24750 रिकॉर्ड। हाँ इसे का था भाई। इसका भी नाम दे रखा था कुछ भाई? ना भाई इसका कोई नाम नहीं। इसका नाम नहीं दे रखा था। यह है भाई इस बुल की माँ है और इस जोटी की भी माँ है। हाँ। ठीक है भाई जी, बिल्कुल भाई। तो भाई वीडियो कैसी लगी, भाई का जो बुल है वो कैसा लगा, अजय भाई का हौसला जरूर बढ़ाए कमेंट में। राम राम सारे ने, राम राम भाई, हाथ जोड़ के कर ले, राम राम भाई, राम राम भाई सारे सारे दर्शक राम।